हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एयरका द क्रिएटिव साइड। आज मैं आपको हमारे बोरिंग से दिखने वाले प्लेन कैनवास बैग्स को डेकोरेट करके कैसे नया लुक दे सकते हैं ये मैं बताऊंगी। और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो उसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो आइए सबसे पहले हम प्लेन कैनवास बैग पर डेकोपाश टेक्निक यूज़ करके उसको नया लुक देते हैं। मैंने यहाँ पर कैनवास पाउच लिया है जिस पर मैं फ्लोरल डेकोपाश नैपकिन यूज़ करने वाली हूँ, जो मैंने ऑनलाइन ऑर्डर करके मंगवा लिया है। सबसे पहले मैंने अपने पाउच के अकॉर्डिंग डिज़ाइन सेलेक्ट कर लिया है और पेंटिंग ब्रश पर वाटर लेकर उसको सेपरेट करने वाली हूँ, जिससे डिज़ाइन की एजेस शार्प नहीं आएंगी और फिनिश प्रोडक्ट अच्छा दिखेगा। डेकोपाश नैपकिन जनरली 3 लेयर या 2 लेयर होता है। डिज़ाइन कट जाने के बाद हम इसकी लेयर्स को सेपरेट करेंगे। फर्स्ट लेयर, सेकंड लेयर निकाल देने के बाद हम इसको अच्छे से प्लेस कर लेंगे जहाँ पे हमें डिज़ाइन को स्टिक करना है। नैपकिन को कैनवास पर स्टिक करने के लिए मॉड पॉज ग्लू का यूज़ करेंगे। कैनवास की बोथ लेयर्स के बीच में कोई हार्ड पेपर या शीट लगा देंगे, जिससे हमारी दोनों लेयर्स सेपरेट रहें और ग्लू अगर नीचे जाए तो दूसरी लेयर पे नहीं लगे। अब हम कट डिज़ाइन को सरफेस पे मार्क कर लेंगे और मॉड पॉज ग्लू की सहायता से इसको फ्लैट ब्रश से अच्छी तरह स्प्रेड कर लेंगे। अब हम डिज़ाइन को सेंटर से लेकर इस पे अच्छी तरह चिपकाएंगे। उससे पहले हम पॉलीथीन बैग को हाथ में ले लेंगे, जिससे कि हमें उसको प्रेस करने में आसानी रहेगी और वो हाथ में चिपकेगा नहीं। ऐसे ही हम दूसरी तरफ भी डिज़ाइन को स्टिक कर लेंगे और पॉली बैग की सहायता से इसको अच्छी तरह प्रेस कर देंगे। अब हम इसे सूखने देंगे और सूखने के बाद इस पर टॉप कोट ऑफ मॉड पॉज लगाएंगे। मॉड पॉज को फ्लैट ब्रश से अच्छी तरह स्प्रेड कर लेंगे और इसको सूखने देंगे। सूखने के बाद ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो जाएगा और बहुत ही खूबसूरत लुक देगा। इसके बाद हम इसकी टैसल बनाएंगे। टैसल बनाने के लिए कोई भी थ्रेड यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे गोल्डन कॉर्ड का यूज़ किया है। इसमें वुडन बीड्स डाला है और टैसल्स बनाएंगे। कॉर्नर्स पर टैसल्स ऐड करने के लिए मैंने कॉटन एंकर थ्रेड का यूज़ किया है। इसमें 3.5 सेंटीमीटर लेंथ की को कट कर लिया है। इसमें टोटल 4 टैसल्स निकल सकते हैं। देखिए, इस तरीके से अगर आप टर्न करेंगे तो इसमें टोटल 4 टैसल्स निकलेंगे, जो बहुत ही इजी है। आपको रोल करने की ज़रूरत नहीं है। अब उसको कट करके सेंटर में नीडल से टाइट कर लेंगे और कॉर्नर पे इसको सेट करके स्टिच कर लेंगे। और क्योंकि वहाँ पे एक नॉट लगा हुआ है तो वो एक छोटा सा बॉल जैसा नज़र आएगा। उसके कॉर्नर्स को सील करने के बाद हम थ्रेड को कट कर लेंगे। अब हम थ्रेड के अदर एंड पे भी एक छोटा सा नॉट बनाकर क्रीम कलर के टैसल को लगाएंगे। उसके लिए हम सेंटर से पहले उसे बांध लेंगे और एंड पर प्लेस करके उसको अच्छी तरह स्टिच कर लेंगे और टाइट कर लेंगे। और हमारे बोथ टैसल्स को सेम साइज का कट कर लेंगे। सेकंड डिज़ाइन के लिए मैंने लेस का यूज़ किया है। इसमें एक डेकोरेटिव लेस लेके लेंथ वाइज उसे कट कर लेंगे और साइड पर फैब्रिक ग्लू से स्टिक कर देंगे। अंदर की तरफ टर्न करके स्टिक करके स्टिच कर देंगे वन साइड पे और उसी तरीके से दूसरे साइड पर भी स्टिच कर लेंगे। हम लेस को प्रॉपरली सरफेस पे रनिंग स्टिच से स्टिक कर लेंगे और उसके बाद हम इस पर कोई भी डेकोरेटिव ब्रोश, या मैंने यहाँ पे सैटन रिबन के फ्लावर का ब्रोश बनाया है और उसको साइड कॉर्नर पे लगा दिया है। और चेन के जो पुलर है उसके एक एंड पर मैंने सिल्वर चेन लगा करके और जो अदर एंड है उसको कॉर्नर से स्टिच कर दिया है और फिनिश कर दिया है। इस तरह हमारा खूबसूरत सा पाउच रेडी है। आइए हम तीसरा पाउच बनाते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पे फैब्रिक्रिल 3D लाइनर्स, एक्रेलिक कलर्स का यूज़ किया है।
सबसे पहले मैंने डिज़ाइन बना लिया है ग्लास पेंसिल से, ब्लैक सरफेस पे, क्योंकि हमें ऐसे नज़र नहीं आता है, इसलिए वाइट पेंसिल का यूज़ किया है। उसके बाद लीव्स को पेंट कर दिया है और फ्लावर्स की जो पेटल्स है उसको भी रेड और ऑरेंज कलर से कलर कर दिया है। एक्रेलिक पेंट सूख जाने के बाद मैंने यहाँ पे फेविक्रिल 3D लाइनर से डिज़ाइन पैटर्न की आउटलाइनिंग की है। इसे छोटे छोटा लाइन की तरह ही बनाएंगे। इसको लिक्विड एम्ब्रॉयडरी टेक्निक भी कहते हैं, क्योंकि इसका इफेक्ट बिल्कुल एम्ब्रॉयडरी की रनिंग स्टिच जैसा आएगा। पूरी पेटल्स और लीव्स की आउटलाइनिंग हो जाने के बाद इसको 4 to 5 आवर्स सूखने के लिए रख देंगे। अब मैं इस बैग को और खूबसूरत लुक देने के लिए बैग चार्म लगाने वाली हूँ, जिसके लिए मैंने येलो, ग्रीन, ऑरेंज, रेडी पॉम पॉम्स का यूज़ किया है। पॉम पॉम्स के साथ मैंने गोल्डन बेल और गोल्डन बीड्स का भी यूज़ किया है, और कुछ मैंने वुडन बीड्स लगाए हैं। बैग चार्म आप किसी भी साइज़ या पैटर्न का लगा सकते हैं। इसको या तो चेन पुलर पे अटैच कर लें, या आप बैग के कहीं भी पोजीशन जो भी आपको पसंद हो उस पे आप लगा करके फिनिश कर सकते हैं। तो लीजिए, इस तरह से हमारा ये बैग भी रेडी है। हमारा जो नेक्स्ट पाउच है वो भी हम एक्रेलिक पेंट, 3D लाइनर और पॉम पॉम से बनाने वाले हैं। पहले सबसे पहले पॉम पॉम्स को हमने सेट करके देख लिया है कि हमारा डिज़ाइन कैसा लगने वाला है, और पेंसिल से मार्किंग कर लिया है, और लाइट ग्रीन और डार्क ग्रीन कलर्स का यूज़ करके लीव्स बना लिया है। लीव्स सूख जाने के बाद हम इसके ऊपर फेविक्रिल 3D लाइनर से आउटलाइनिंग करेंगे। ब्लैक 3D लाइनर से आउटलाइनिंग होने के बाद मैंने इसे 4 to 5 आवर्स सूखने दिया है, जिसके कलर फिक्स हो जाएगा। अब मैंने फ्लावर की जगह पर पिंक, येलो और रेड कलर के पॉम पॉम्स को गोल्डन बीड लगाकर पाउच पर अटैच कर दिया है। मैंने पाउच की खाली स्पेस को भरने के लिए फैब्रिक ग्लू से पिंक, ग्रीन कलर के सीक्वेंस स्टिक कर दिए हैं। चेन के पुलर को डेकोरेट करने के लिए मैंने कलर्ड पॉम पॉम्स और बेल्स को कॉर्ड से अटैच करके पुलर के ऊपर लगाया है। इसको हैंडबैग की तरह यूज़ करने के लिए मैंने 20 इंचेस की चेन को लिया है और उसको बोथ एंड्स पर अटैच कर दिया है। तो लीजिए, हमारे खूबसूरत से स्टाइलिश बैग्स रेडी हैं। होप यू लाइक द वीडियो, सो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।